बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। आई होप यू आर ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। एक्चुअली इन एवरी मॉर्निंग आई विश कि मैं आपको अपनी हिम्मत से ज़्यादा पढ़ा सकूं, कि वन क्लास में चाहती हूं कि आप लोग बहुत अच्छा पढ़ें, और मैं दुआ करती हूं कि मैं आपको जो भी पढ़ाती हूं आपको वो समझ भी आए। ठीक है जी। इन आवर प्रीवियस लेक्चर, पिछले लेक्चर में मैंने आपको अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन पढ़ाई थी। दैट इज़ लाइक हेयर द बेसिक पार्ट और साउंड ऑफ आवर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। और फिर हमने काउंट लेटर्स के दो काइंड्स भी पढ़ लिए, दैट इज़ कैपिटल लेटर एंड अ स्मॉल लेटर। ये दो हमारी काइंड्स थी। नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैं उम्मीद करती हूँ कि वो होमवर्क आपने कर लिया होगा। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर पेज नंबर 3। आज हमने अपना पेज नंबर 3 करना है, दैट इज़ हेयर। और पेज नंबर 3 है बेसिकली वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स तो बेसिकली कहते हैं ABC को, ABC को कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। वॉवल्स और जो वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट्स, बेसिकली होता है कि आप जो वर्ड, आपको एक पूरा वर्ड दिया गया है, आपको उसके अंदर वॉवल्स पुट करने हैं। इस तरह का काम भी होता है। कॉन्सोनेंट उन अल्फ़ाबेट्स को ही कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो कह रही हैं कि 5 वॉवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, दे आर इंग्लिश लैंग्वेज के 5 वॉवल्स होते हैं। वन क्लास में आपको बता रही हूँ ये बात, आपको पूरी ज़िंदगी याद रखनी है। सारे स्टूडेंट्स इन वॉवल्स को याद कर लें, अपनी फिंगर टिप्स पर आपको ये आने चाहिए सब स्टूडेंट्स को। फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वॉवल है, लिखें यहाँ पर ए, ठीक है जी, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवल्स कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वॉवल्स चलें याद करें, ए, ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वॉवल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। सो वन क्लास चलें, जैसे कि अब हमने काम शुरू कर दिया है, तो सबसे पहले हमने डेट एंड डे लगानी है। टुडे इज़ 13th जुलाई। 13 के ऊपर छोटा सा TH ज़रूर लगाया करें, ठीक है। उसके बाद जुलाई लिखकर, डे है हमारा मंडे, MONDAY, मंडे, ठीक है जी। अब वहाँ पे हमने 5 वॉवल्स याद भी कर लिए, कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब उन्होंने बात की है कि ऑल द अदर लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट आर कॉल्ड, इन 5ों को छोड़कर जितने भी बाकी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। जितने भी इन 5ों वोवल्स को छोड़ के अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब हमने इन वर्ड्स को बनाना है, न्यू वर्ड्स बनाने हैं वोवल्स पुट करके। इनके अंदर हमने वोवल्स पुट करने हैं इन न्यू वर्ड्स के अंदर, ठीक है। जैसे फर्स्ट लिखा हुआ है M-N, हम इसके अंदर MAN, मैन, ठीक है। V-N, VAN, वैन। C-N, CAN, कैन। नेक्स्ट आ जाएँ B-T, कुछ भी लिख सकते हैं, BAT, बैट, ठीक है। FAT, फैट। MAT, मैट। FIN, फिन। TIN, टिन। BIN, बिन। DOG, डॉग। FOG, फोग। LEG, लेग। ठीक है, ये वर्ड्स हमने बना लिए, MAN, मैन, VAN, वैन, CAN, कैन, BAT, बैड, FAT, फैट, MAT, मैट, FIN, फिन, TIN, टिन, BIN, बिन, DOG, डॉग, FOG, फोग, LEG, लेग। ठीक है, दिस इज़ एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 की जो एक्टिविटी है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड नाउ टर्न पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पे आ जाएं, दिस इज़ अनदर सेल्फ टेस्ट। ये सेल्फ टेस्ट है, सेल्फ टेस्ट है बेसिकली, इसको भी हम करते हैं। लिखा हुआ है राइट द नेम्स ऑफ द 5 वोवल्स इन द क्लाउड्स, इन क्लाउड्स के अंदर 5 वोवल्स के नाम लिखने हैं। चलें जी, सबसे पहले डेट एंड डे लगा लेते हैं। डेट इज़ 13th जुलाई,
और डे है हमारा मंडे, MONDAY, मंडे। अब उन्होंने कहा है कि आपने नाम लिखने हैं 5 वोवल्स के इन क्लाउड्स में। तो सबसे पहले क्या था हमारा वोवल, सारे बोले ए। दूसरा कौन सा था, ई। नेक्स्ट कौन सा था, आई। नेक्स्ट कौन सा था, ओ। नेक्स्ट कौन सा था, यू। ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स हो गए। फिल द सेंटेंस बाय राइटिंग आ और एन, आ और एन लगा के आपने ये सेंटेंस पुट करने हैं। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, वन क्लास आ हमेशा एक चीज़ के साथ आता है। आ मतलब एक, आ मतलब एक, आ मतलब एक। और एन हमेशा वोवल के साथ आता है, ऐसा वर्ड जिसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट में वोवल होता है। मतलब वोवल्स क्या, ऐसा वर्ड जिसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट में इन पांचों में से कोई भी वर्ड होता है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन, ए एन एन। और अगर तो वो वोवल नहीं है उसके फर्स्ट में और वो है भी एक चीज़ तो वहाँ पर आएगा आ। चलिए मैं आपको बताती हूँ, लिखा हुआ है दिस इज़ डैश बॉय। अब देखें बी लिखा हुआ है, बी वोवल है। देखें इन पांचों में कहीं पर बी नज़र आ रहा है आपको, नहीं नज़र आ रहा, तो इसका मतलब कि बी वोवल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आ। जब वोवल नहीं होगा तो आ आएगा, जब वोवल होगा तो एन आएगा। दिस इज डैश ऑक्टोपस, अब है ओ। ओ आपको ऊपर नज़र आ रहा है, हाँ जी ओ वोवल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। दिस इज़ डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू यूज़ हो रहा है, यू आपको ऊपर नज़र आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल, ये दिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन। दिस इज़ डैश ट्रेन, अब ट्रेन में टी है, टी आपको ऊपर कहीं नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पे आ। दिस इज़ डैश ओवल, ओवल में ओ है, ओ भी है ऊपर, सो अगेन एन। दिस इज़ अ बॉय, दिस इज़ एन ऑक्टोपस, दिस इज़ एन अम्ब्रेला, दिस इज़ अ ट्रेन, दिस इज़ एन ओल। सो वी हैव कंप्लीट पेज नंबर 4, टर्न पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 इज़ ऑल अबाउट एसे, एसे माई सेल्फ, माई सेल्फ का ऐसे है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, आज जो हमने काम करना है वो आप पेज नंबर 7 पे आ जाएं। पेज नंबर 7 पे सिंगुलर प्लूरल्स हैं, ये बहुत इजी हैं, हम पहले ये कर लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल्स जैसा कि आप लोग उर्दू में जानते हैं, जैसे वाहिद जमा होता है, इस तरह सिंगुलर प्लूरल्स इंग्लिश में होते हैं। आपको मैं इसका एक बहुत अच्छा हिंट बता देती हूँ, आपने जब भी प्लूरल बनाना है आपने वर्ड के एंड पे एस लगा देना है, वो प्लूरल बन जाएगा, जमा बन जाएगी। तो डेट एंड डे सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं, सो आवर डेट टुडे इज 13th of July, एंड डे इज मंडे। चलें जी सिंगुलर प्लूरल करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा वर्ड बेल, बेल लिखकर बिल्कुल ऐसे ही बी ई डबल एल, बेल लिखकर इसके आगे एस लगा देंगे, ये प्लूरल बन जाएगा। और वर्ड पोल के दिखाएं क्या बना है, बेल्स। बुआए, बॉयज, बर्ड, बर्ड्स। वन मोर थिंग वन क्लास, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, राइटिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बैट, बैट्स, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, गर्ल, गर्ल्स, हैट, हैट्स, ट्री, ट्रीज, टॉय, टॉयज। अगेन रिकॉल करवा दूं, बेल बेल्स, बी ई डबल एल एस, बॉय बॉयज़, बी ओ वाई एस, बर्ड बर्ड्स, बी आई आर डी एस,
बैट बैट्स BATS, कैट कैट्स CATS, डॉग डॉग्स DOGS, गर्ल गर्ल्स GIRLS, हैट हैट्स HATS, ट्री ट्रीज TREES, टॉय टॉयज TOYS. सो दिस इज़ सिंगुलर प्लूरल पेज नंबर 7. आपने पेज नंबर 8 का होमवर्क कर लेना है. ये पेज नंबर 8 है जिस पे होमवर्क लिखा हुआ है. ये भी सिंगुलर प्लूरल्स हैं, ये सेम आपने यहाँ पर लिख लेने हैं. वन मोर थिंग वन क्लास, पहले आपने ये क्लास वर्क याद करना है, फिर आपने होमवर्क लिखना है. ठीक है जी, आज का हमारा काम इतना ही था. वन मोर थिंग वन क्लास, आपकी जो बुक आपको दी गई है, ये जो आपकी इंग्लिश की बुक है, इसके अंदर आपको दिए गए हैं लेसन नंबर 2 की रीडिंग. लेसन नंबर 2 की रीडिंग मैं आपको करवा चुकी हूँ. ये रीडिंग भी आपने करनी है. कोई सिंगल डे भी आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आप ये रीडिंग ना करें. आपने जो लेसन मैंने पढ़ाया हुआ होगा उसकी रीडिंग आपने ज़रूर करनी है. वन क्लास इसको कंप्लीट आपने कर लेना है. वन मोर थिंग, हमारी इस चैप्टर की एक्सरसाइज रहती है, लेट मी शो यू. ये हम कंप्लीट कर लेते हैं. लिखा हुआ है फाइव चिल्ड्रंस आर डैश देयर. फाइव चिल्ड्रंस आर, यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे है फाइव. ये फाइव चिल्ड्रन आर प्लेइंग देयर, PLAYING, यहाँ पे लिख लेते हैं PLAYING, प्लेइंग. डैश पैरट्स आर फ्लाइंग, यहाँ पे देखते हैं कितने पैरट्स हैं. पैरट्स की बात हो रही है. ये सिक्स पैरट्स आर फ्लाइंग, सिक्स SIX, सिक्स SIX, सिक्स. आवर स्कूल हैज़ डैश मेन गेट, हाँ जी आवर स्कूल हैज़ वन मेन गेट, ONE, यहाँ पे आ जाएगा वन. देयर आर डैश मैंगो ट्रीज इन द स्कूल, मैंगो ट्रीज. देयर आर टू मैंगो ट्रीज इन द स्कूल, TWO, 2. डैश बॉयज आर राइटिंग समथिंग, कितने लड़के लिख रहे हैं. फोर बॉयज आर राइटिंग समथिंग, FOUR, फोर फोर लाइक दिस. आफ्टर दिस उन्होंने कहा है कि ये आपने ऊंची सारी ये वर्ड्स बोलने हैं. चले बोलते हैं फोर सिक्स सेवन टू वन फाइव पैरट चिल्ड्रन स्कूल मेन राइट थ्री एट फ्लावर्स टेबल टीचर क्लास. नेक्स्ट इज करेक्ट द स्पेलिंग्स, इनके स्पेलिंग करेक्ट करने हैं और इनके स्पेलिंग करेक्ट करके आपने इनके ऊपर ही लिखते चले जाने हैं. ठीक है, सबसे पहले है WTO, ये बना टू, TWO, 2, कोमा FUOR, ये बना फोर, FOUR, फोर. VIFE, ये बना फाइव, FIVE, फाइव. XIS, ये बना सिक्स, SIX, सिक्स. TEHRE, ये बना थ्री, THREE, थ्री. TALBE, ये बना टेबल, TABLE, टेबल. SHOOLC, ये बना स्कूल, SCHOOL, स्कूल. YOB, ये बना बॉय, BOY, बॉय. GTAE, ये बना गेट, GATE, गेट. SENVE, ये बना सेवन, SEVEN, सेवन. अगेन बता दूँ, टू फोर फाइव सिक्स थ्री टेबल स्कूल बॉय गेट सेवन. ठीक है जी, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि आपने ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ ग्रीन पैरट और अ पिक्चर ऑफ योर डियर स्कूल. या तो आपने यहाँ पर एक स्कूल की पिक्चर बनानी है या आपने पैरट की पिक्चर बनानी है, या आपकी अपनी मर्ज़ी है. जो मैं आपको ये मशवरा दे रही हूँ, आप यहाँ पे स्कूल की पिक्चर बनाएं, स्कूल की बिल्डिंग की पिक्चर बनाएं. नहीं बनानी आ रही तो आप बेसिकली ये भी बिल्डिंग की पिक्चर बना सकते हैं, इट्स अप टू यू. वन क्लास बहुत ही नीट एंड क्लीन पिक्चर बनाकर आपने उसमें कलर कर लेने हैं. ठीक है जी, तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. वन क्लास इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.